पितामह ब्रह्मा ने संभाला है, शिव बाबा ने तथास्तु कहा, ऐसा ही करिए। जब सबका भाव है तो करिए। विवाह के पीछे सबके अपने अपने हेतु होते हैं, अपने अपने स्वार्थ होते हैं। इनका भी है, सप्तऋषियों का आह्वान किया पितामह ब्रह्मा ने, संदेश दिया, माँ के पास गए, कामधर्म सुनाया, ऋतु को वरदान सुनाया। माँ ने थोड़ा स्नेह दिया, थोड़ा डपटा है, अब लगी शंभु रहे सविकार तुम्हारे जान, अरे हमारे जान तुम्हारे जहान। काम उजारा, इसका मतलब अलग शंभु रहे सविकारा, हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। आपके जानने से अब जलाया, अरे हमारे जान सदा शिव जोगी। जोगी जग में कौनो जोगी हो, जोगी माँ कहती है हमारे जान सदाशिव जोगी। जय जयकार किए, आगे बढ़े, हिमांचल जी महाराज के यहाँ उपस्थित हुए सप्तऋषि लोग, काम दहन सुनाया, रति जी को वरदान सुनाया और कहा पितामह ब्रह्मा ने बोले बाबा को रचना हेतु तैयार कर लिया है, आप महाराज लगन पत्र का शोधित करा के हमको प्रदान करिए, हमको पितामह के पास जाना है। वेद विहित लगन पत्रिका बनाई गई, समहूर्त तो एक शब्द है, सपरिवार, सपरिवार मने परिवार सहित। लोग लिखते हैं सपरिवार सहित, गलत, ये भी गलत है और सुस्वागतम भी गलत है, स्वागतम ही सु है। स्वागतम क्या गया, सु नहीं लगता है, ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय में अंतरराष्ट्रीय है, दो र गलत है। हिंदी है साहब, साहित्य है, वैयाकरण कुछ तो, बहुत जानकारी, बहुत जानकारी न हो तो किसी योग्य आचार्य के सानिध्य में रहना चाहिए। हिंदी सीखने वालों को थोड़ा बोलते समय सावधान रहना चाहिए। हमारे परिचित हैं, कहीं चले गए सवेरे सवेरे हिंदी सीख रहे थे तो कहते हैं रक्त मंजन है क्या, अरे लाल दंत मंजन मांगो ना भाई है? आप कहीं खान साहब मर गए खटिए के नीचे पानी, कोई जानता नहीं आप मने पानी होता है फारसी में, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सीखना अच्छी बात है परंतु ऐसा नहीं है। क्या है, बाबा का विवाह महोत्सव है, साउंड वाले संभाल के रखना भाई। लग्न पत्रिका लेकर वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार बिफे बृहस्पतिवार, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार गोधूली वेला में बारात कैलाश से चलकर हिमाचल में प्रवेश करेगी। बन गया मोर लेकर के सप्तऋषि पहुंचे, पितामह ने बांझ कर सबको सुनाया, देवता गदगद हो गई, तीन दिन बाद मुहूर्त बना था। देवता लोग प्रणाम कर करके भोले बाबा और ब्रह्मा जी को प्रस्थान की, अपने अपने लोग चले गए और जाकर लगे समारन सकल सुर वाहन विविध सगुन मंगल करहिं अपचय। देवलोक में शुभ शगुन हो
नृत्य कर रही है और बाबा हमारे कैलाश पर। क्या विवाह है साहब, दूल्हा सरकार कैलाश पर, देवता अपने अपने लोक में, कौनो यू पूछने नहीं आया बाबा आप चलेंगे तो पहनेंगे क्या, 4 बजा तो ध्यान रखिएगा। मुझे हंसी आती है, किसी उत्सव में जब लोग पूछते हैं मेरा कपड़ा आपको कैसा लग रहा है, जिससे पूछिएगा वो ये नहीं बताएगा कैसा लग रहा है, वो सीधा प्रश्न करेगा आपको मेरा वाला कैसा लग रहा है। आदमी अपने बारे में ही अन्वेषण में परेशान है, इसलिए किसी से पूछिए मत। आपने धारण किया अपने मगन रहिए, कारण आज का मानव प्रशंसा करने से भी दरिद्री है, करते ही नहीं। एक बार तो एक बहुरानी इतनी सुंदर साड़ी गहने पहनी थी, मैंने प्रशंसा कर दिया तो वो रोने लगी। हमने कहा आपको कुछ बुरा लग गया क्या, बोले महाराज श्री आपके बगल में आदमी बैठा हमारी याद तक प्रशंसा नहीं किया, 16 साल विवाह के हो गए मेरे। हमने कहा भाई कभी कभी प्रशंसा किया करो, अरे करता हूँ महाराज जी लेकिन अब समझ में आवे तब ना। हमने कहा नहीं नहीं देखो प्रशंसा करना चाहिए, जो उत्तम है उसकी प्रशंसा सर्वोत्तम भाव से करनी चाहिए। प्रशंसा करने मात्र से थकान मिट जाती है, जो व्यवहार करता है ना उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, अवश्य किया करो भाई।